एक तरफ जहां राहुल गांधी कृषि बिल के नाम पर किसानों को बरगला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं किसानों ने राहुल को जेल भेजने की तैयारी कर ली है। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर सियासत गर्म है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने 24 घंटे के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद अब डिफॉल्टर हुए किसानों ने पुलिस थाने पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस सरकार के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और कमलनाथ के खिलाफ कर्ज माफी के झूठे वादे पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने की शुरुआत टिमरनी थाना अंतर्गत करताना पुलिस चौकी से हुई। बड़ी संख्या में यहां पहुंचे किसानों ने शिकायती आवेदन में कहा है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कई आम सभा में भाषण में उनके लिखित चुनावी घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिन के भीतर प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कराने का वादा कर वोट प्राप्त किए गए, लेकिन सरकार बनाने के बाद अपने वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ न करते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत करने के कारण किसान बैंकों में डिफॉल्टर हो गए, जिससे उन्हें कृषि कार्य के लिए दोबारा ऋण नहीं मिल सका। शिकायती आवेदन में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर धारा 420, 120B, 406, 409, 411 भादवी का अपराध दर्ज करने की मांग की गई है। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंचे किसानों का कहना है कि सरकार बनाने के बाद सभी किसानों का कर्ज माफ न करके षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी की गई। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।